नीमच कृषि उपज मंडी में मॉडल एक्ट को लेकर सभी कर्मचारी संगठन ने पोस्ता मंडी में हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं मंडी कर्मचारी तुलावटी हम्माल ठेला टेम्पो हम्माल सभी संगठनों ने संयुक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर मंडी मॉडल एक्ट में जाती है तो इसके कर्मचारियों व हम्मालों का शोषण होगा। हम सभी कर्मचारी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन कृषि उपज मंडी को मॉडल एक्ट प्राइवेट नहीं होने देंगे। क्या कहा मंडी कर्मचारियों ने, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, इस वक्त खड़े कृषि उपज मंडी में, जहां पर मंडी मॉडल एक्ट को लेकर कई कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि मंडी को प्राइवेटाइजेशन लेने को नहीं किया जाए, मंडी प्राइवेट में नहीं जाए। क्या कहना है कर्मचारियों का, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए मंडी को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हो और किस तरह से मंडी में हड़ताल चल रही है। मंडी को लेकर विरोध इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर मंडी निजी इसमें चल जाएगी तो जो कर्मचारी हम्माल तुलावटी है उनका अनर्थ हो जाएगा और उनको जो है मेहनताना नहीं मिलेगा, इसलिए हम ये एक्ट का विरोध कर रहे हैं। मंडी को प्राइवेटाइजेशन जाने को लेकर क्या सभी कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर मंडी कब तक बंद रहेगी? अभी तो अनिश्चित काल के लिए बंद है, उसके बाद जो संयुक्त मोर्चा हमारा आदेश देगा उसके बाद जो भी जो होगा वो उसके आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। मंडी एक्ट को लेकर क्या कहना है, किस तरह से मंडी को प्राइवेटाइजेशन लेकर बात कर रही है, किस तरह से कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर गए? मंडी कर्मचारी मॉडल एक्ट को लेकर के अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन से सड़कों पर उतरे हैं। शासन से मांग करें कि मॉडल एक्ट लागू नहीं किया जाए और इसमें किसानों का और सबका शोषण होगा, कर्मचारी हम्माल मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और किसानों को उसके उपज का वाजिब दाम नहीं मिलेगा। मंडी में कितने कर्मचारी हैं, कितने हमाले, कितने तुलावटी हैं, जो इस मंडी से उनका परिवार चलता है, करीब कितने से कर्मचारी हैं? मंडी में लगभग 200 कर्मचारी है और 200-250 तुलावटी है, 2000 हमाले है और लगभग 200-400 टेम्पो चालक वाहन चालक वगैरह है और तुलावटी 300 करीब है और 300-400 व्यापारी है। इससे लगभग 2500 व्यापारी प्रभावित होंगे। मंडी में करीब 2500 परिवारों का पालन पोषण था। हमारे पास में कुछ हम्माल संगठन के अध्यक्ष भी, उनसे बात करेंगे कि मंडी एक्ट को लेकर क्या कहना है। बताएं मंडी जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है उसको लेकर क्या कहना आपका? मंडी एक्ट के अंदर हमारे सारे बेरोजगार होंगे, मंडी कर्मचारी यहाँ ठेले टेम्पो हम्माल तुलावटी सबको बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनी में जाने के अंदर सबको नुकसान है, इसमें रोजी रोजगार सबको नुकसान है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे करीब इस मंडी के अंदर कितने हम्मालों का परिवार चलता है, कितने हम्मालों, कितने मजदूर काम करते हैं यहाँ पे? सब ठेले टेम्पो हम्माल तुलावटी मिला के 5000 हम्माल माल पूरे। तो ऐसे में आप हम्मालों का कहना, अगर मंडी मॉडल एक्ट होता है तो रोजगार तो बढ़ेगा ना कि घटेगा? नहीं, इसमें रोजगार घटेगा, इसमें बढ़ेगा नहीं, सब कर्मचारी सब बेरोजगार हो जाएंगे। जो तुलावटी को तुलावटी नहीं मिलेगी, हम्माली को हम्माली नहीं मिलेगी, तब जो मंडी एक्ट के अंदर जो जाएंगे वो सब उसके द्वारा ही, शासन के द्वारा ही रहेंगे, अपने कोई कर्मचारी नहीं रहेंगे। ये तो मॉडल एक्ट को लेकर कर्मचारियों का विरोध क्यों है, कहीं ना कहीं शासन की कड़ी है वो? हमारे द्वारा ये जो इसके अंतर्गत जो किया जा रहा है, पूर्व में भी आंदोलन किया गया, अभी 3 दिवस के लिए हमारे लिए इसका योजनाबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं आंदोलन। आज से 3 दिन तक ये रहेगा, भोपाल में हमारे द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है महासंघ के द्वारा और युद्ध स्तर पर हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। शासन की जो नीति है यह बहुत गलत है, हम ये चाहते हैं मॉडल एक्ट वापस हो, कर्मचारियों और ये मजदूर वर्ग इनका जो शोषण हो रहा है इस पर वापस बंद होना चाहिए और मंडी एक्ट जो लगाया है शासन ने इसको वापस लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ में कुछ कर्मचारी, जिनका कहना था कि मंडी का मॉडल एक्ट नहीं किया जाना चाहिए, इससे कर्मचारियों का और हमारे जो मजदूर मंडी में पलते हैं उनका शोषण होगा। वॉइस एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।